बहनों और भाइयों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो मीन्स बेबी पैरोट को कैसे मेडिसिन दे, कौन कौन से मेडिसिन दे, क्यों मेडिसिन दे, किस लिए मेडिसिन है, इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें क्या विटामिन है, ये सब के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में आगे बने रहिए, मैं इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और कैसे देना है, क्या देना है, ये सब भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड हाँ, प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को आगे देखने को मिले। सो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, या सिरप बोल सकते हैं, ये नियोवेटिन। ये जो है इसका कॉस्ट 96 या 97 है, ये आप देख सकते हैं, ये 96 रुपीज़ का है। एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप शुरू में बेबी पैरट को हैंड फीडिंग देते हैं यानी कि हाथ से खिलाना चालू करते हैं खुद से, तो ये जो है खाना पचाने में, पेट का कीड़ा मकोड़ा मारने में ये हेल्प करता है। इसमें आप देख सकते हैं ये सब बहुत ही ज़रूरी विटामिन्स है, ये आप अच्छे से पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा विटामिन जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये देखिए नियोफिप्टिन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, ताकि आप इस मेडिसिन को ख़रीदने में आसानी हो दुकान में। ये सबसे छोटा पैक है, ये 59 ml का है, और इसे देना है एक बेबी पैरेट है तो फिर 2 ड्रॉप, या 1 ड्रॉप भी दोगे तो चलेगा, दिन भर में 2 टाइम देना है, ठीक है। जो फूड है उसे में मिला दीजिए, और ये इसको यूज़ करने से पहले हल्का सा शेक कर ले, ठीक है, उसके बाद ही इसको यूज़ करें। और इसको स्टोर करना है लाइट प्लेस में, यू स्टोर नहीं करना है, डार्क प्लेस में स्टोर करना है, ठीक है। ये जितने भी मेडिसिन है सारे को डार्क प्लेस में स्टोर करना है, इसलिए मैं इसे एक डब्बे में करके स्टोर करता हूँ। ये सेकंड मेडिसिन, ये है A to Z मल्टी विटामिन, ठीक है। ये और ये विटामिन ही है, ठीक है, लेकिन ये जो है ज़्यादा असरदार विटामिन है, एंड ये भी असरदार है लेकिन उतना नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कभी ये वाला दे रहा हूँ और कभी ये वाला दे रहा हूँ, तो ये मैं दिखा देता हूँ ये कैसा है। A to Z मल्टी विटामिन, ये बच्चों को भी दिया जाता है, आदमी को भी, आदमी के बच्चों को, ठीक है, सिर्फ बेबी पैरट्स को नहीं दिया जाता। इसमें देख सकते हैं ये कौन कौन सा विटामिन, अगर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी विटामिन है, लाइक विटामिन D3 D2 ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, बहुत ही माइनर छोटा छोटा में लिखा हुआ है। एंड इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, ये 54 रुपीज़ का है, मेरे को डिस्काउंट करके 45 में मिला था शायद, ठीक है। ये भी एक मल्टी विटामिन है, विटामिन तो खैर ज़रूरत ही होता है, एंड वे पैरेट्स को तो और ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ठंड का मौसम भी है। सो इसको मैं हफ्ते में ऐसे 2 बार देना है मल्टी विटामिन, ठीक है। एक बार ये देता हूँ और दूसरा बार ये देता हूँ, अभी मैं इसके बारे में बताऊँगा कि ये कैसे देना है, क्या देना है। एंड इसे भी एक वे पैरेट था तो फिर 2 ड्रॉप, ये थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, तो इसको 1 ड्रॉप और एक छोटा सा ड्रॉप भी, या एक ही ड्रॉप दोगे तो चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। एंड ये इसको ये दोनों जो है आप कोई भी मेडिकल दुकान में ख़रीदोगे तो मिल जाएगा, ये नियोफिप्टिन और A to Z मल्टी विटामिन। एंड ये थर्ड, ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जाता है, हालांकि ये 500 ml का, इसका 50 ml का ही पैक आता है, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा ही ख़रीद लिया। इसका नाम है विमरल, ठीक है, ये जहाँ पे पेट्स वगैरह का मेडिसिन मिलेगा, ठीक है, गाय वगैरह का जहाँ पे दवाई मिलता है वहीं पे ये मिलेगा। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, ये देख सकते हैं, इसमें विटामिन D1 है, विटामिन ई है, विटामिन B है, विटामिन A है, और भी कुछ कुछ विटामिन है, मेरे ख्याल से सारा इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। एंड ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छा कंपनी का है, बारबेरिक का है, जो कि बहुत ही एक ट्रस्टेड कंपनी है, ठीक है, या कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत ही मीन से वर्ल्ड लेवल मल्टीनेशनल कंपनी है ये, वो भी काफ़ी बड़ा। ये आधे किलो का है यानी 500 ml का है, एंड इसका जो प्राइस है वो 640 रुपीज़ पड़ जाता है, ठीक है। एंड ये मैन्युफैक्चर डेट है इसका 1 अगस्त 2020, ठीक है, ये 640 रुपये का मिल जाता है। लेकिन एक इसका शायद सबसे छोटा पैक भी आता है, वो 50 रुपीज़ का आता है, वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी है। एंड आप इसको भी क्या करना है कि ड्रॉप वाइज देना है, 2 ड्रॉप, इसको 2 ड्रॉप से कम नहीं देना है। ये आप, ये थोड़ा हार्ड होता है A to Z जो है, तो आप इसको 1.5 ड्रॉप या 1 ड्रॉप भी दोगे तो चलेगा, लेकिन इसको है कि 2 ड्रॉप देना है, 2 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं दीजिएगा,
हफ्ते में एक बार दीजिए। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप ए टू जेड को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हफ्ते में 2 बार देना है। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी पैरेट का हेल्थ सही नहीं है तो फिर हफ्ते में 3 बार दे दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देना बेबी पैरेट्स को दवाई को। मीन्स कोई भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता बेबी पैरेट्स को, ठीक है? वो इंसान का बच्चा नहीं है, पैरेट्स का बच्चा है, दिक्कत हो जाएगा। वो लोग तो ऐसे भी वाइल्ड में रहते हैं। एंड सेकंड, अगर आपके बेबी पैरेट को ठंडे लग जाए तो फिर क्या करना है, ठीक है? ठंड लग जाए तो मीन्स से थोड़ा सा जीरा लेना है, बहुत ही थोड़ा सा नहीं, मीन्स आधा चम्मच जीरा, और 1 कप पानी में उसको मीन्स खौलाना है, थोड़ा सा गर्म करना है, और इतना उसको जला देना है कि आपके पास से आधा चम्मच 1 चम्मच वो जीरा मीन्स वो पानी बचे। एंड उस पानी को आप सिरिंच में कर लीजिए, और फिर हल्का गर्म में ही, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए कि उसका जीभ जल जाए बेबी पैरेट का, उसको आराम से पिला दो, सुबह शाम करके पिला दो, ठीक है? आधे आधे चम्मच, ठीक है? गर्म में ही पिलाना, ठंडा में नहीं, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, तो वो मन से ठीक हो जाएगा। अगर अगर उससे नहीं हो रहा है, मीन्स 2 दिन ऐसा करो, अगर 2 दिन में ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप कोई भी मेडिसिन दुकान में जाओ एंड बोलो कि बच्चे मीन्स बच्चे को जो दिया था ना, इंसान के बच्चे को, आदमी के बच्चे को मेडिसिन ठंडा लगने पे, कोई सिरप होगा तो वो सिरप ले आओ वहाँ से ख़रीद के, ठीक है? एंड 2 ड्रॉप ही, ज़्यादा नहीं, कोई भी सिरप हो, कैसा भी दवाई हो, बेबी पैरेट को 2 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं देते। 2 ड्रॉप मिलाओ उसके खाने में, या डायरेक्ट भी आप वो खाना अगर नहीं खा रहा है तो फिर आप डायरेक्ट भी उसके चोच में दे सकते हो, उसका चोच खोल के बाय सिरिंच, ठीक है? तो फिर वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड हाँ, कोई भी बेबी पैरेट को या कोई भी मीन्स बर्ड के बेबी को, जो इंसान के बच्चे को दिया जाता है ना, ह्यूमन बींग्स के बच्चे को दवाई, वही सेम दवाई रिपीट होता है, लेकिन वो बस क्वांटिटी होता है 2 ड्रॉप, ठीक है? एंड हमेशा नहीं पिलाया जाता है उसको, कभी कभी पिलाया जाता है। जैसे कि इंसान के बच्चे को वो पूरा फाइल पिलाना है तो फिर बेबी पैरेट को 2 से 3 दिन, वो मोर देन इनफ हो जाता है, क्योंकि इन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये इंसान के बच्चे तो नहीं है ना कि हम इन पे इंसान का मीन्स इंसान वाले दवाई ट्राई करें, ये तो है तो बेबी पैरेट ही। एंड हाँ, अगर ये तो ज़रूर है, ये तो ज़रूरी है, इसको आपको हैंड फीडिंग फार्मूला में आपको मिलाना ही मिलाना है, सुबह शाम करके मिला दो। अगर आप 3 बार देते हो या 4 बार देते हो, सुबह शाम करके मिला दो, सुबह में फर्स्ट फर्स्ट वाला टाइम में और लास्ट में सबसे लास्ट वाले टाइम में, एक बेबी पैरेट को 2 ड्रॉप, और 2 है तो फिर 3 ड्रॉप कर दो, ठीक है? आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो। आप लोग कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, मीन्स किस चीज़ को लेके। एंड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? और आप लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, कोई क्वेरी हो तो फिर बिल्कुल पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो, फॉलो करो, एंड हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। सो फ्रेंड्स, बता देना कि मैं अपने दोनों पैट्स का नाम क्या रखूँ। आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।